साथी ना होके बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है। लव जिहाद तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे वोट जिहाद के बारे में, जिसको लेकर देश में बहस छिड़ गई है। उससे पहले आप ये सुनिए। जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर सियासी घमासान छिड़ा और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि पिछड़ों दलितों का हक मारकर मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। तभी यूपी के फरुखाबाद में मोदी के खिलाफ नफरती प्रोपेगेंडा और वोट जिहाद का एजेंडा ने सियासी गलियारों का तापमान चढ़ा दिया। बहुत जज्बाती ना होके बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्माती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज को उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आज कितने लोग सीएनआरसी में जेलों में बंद हैं, और आपको बता दें मुझे खुशी हो रही है कि उन बच्चों के कितने केसेस सलमान खुर्शीद साहब फ्री में लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लड़ रहे हैं आपके लिए, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ताकत आप हो। और आप अगर ऐसे दिल छोड़ के बैठ जाओगे कि अब कुछ नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। 100 बार लड़ेंगे, 100 बार हारेंगे। वोट के लिए धार्मिक भावनाएं भड़काने का ये सियासी खेल कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी और सपा नेता मारिया आलम खान ने खेला, लेकिन चुनाव में वोट जिहाद की एंट्री पर फंस गई। मारिया पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ और नफरती बयान पर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को सवालों के खटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं वोट जिहाद की अपील पर भाजपा ने आरोप लगाया कि विपक्षी इंडिया गठबंधन जिहादियों के समर्थन से लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। इस तरह के बयानों ने सियासी तापमान चढ़ा रखा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जनता इन बयान का कैसे जवाब देती नजर आती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताएं ये वीडियो कैसा लगा।